बुलाई। हाँ जी, राम राम सा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमनलता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। हाँ बिल्कुल, मैं आ गई, नहीं आती तो आपके पास मैसेज पहुँच जाता। मुझे दिख रहे थे आपके कमेंट्स कि मैम जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। आज तो लगता है छुट्टी ही हो गई, ऐसे कैसे छुट्टी हो जाती। कोशिश थी लेकिन एक्चुअली फाइल ओपन नहीं हो पा रही थी तो इसे थोड़ा सा टाइम लग गया। राइट, कैसे हैं आप सभी? जय श्री राधे कृष्णा जी। हाँ, थोड़ा सा अनुजा टेक्निकल इशू था, फाइल ओपन नहीं हो रही थी। हेलो नासु नास, वालेकुम सलाम। बता दिया थोड़ा टेक्निकल, मतलब फाइल ओपन अपनी नहीं हो रही थी। चलिए, आप लोग आ चुके हैं। राधे राधे, बहुत सा आशीर्वाद। आज आपका वो टॉपिक है जो आप काफ़ी टाइम से कह रहे थे, शब्द शक्ति, शब्द शक्ति। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ शब्द शक्ति के ही बारे में। सबसे पहले अपना ये लाइव जो काफ़ी बच्चे कह रहे थे मैम ऑफर क्या होली पर आएगा, होली तक तो आप बहुत लेट हो जाते। तो जो हमारा लाइव बैच अभी 8 तारीख से शुरू हुआ है उसके लिए ऑफर प्राइस आपके आ चुके हैं। सेकेंड ग्रेड जो है वो भी है, फर्स्ट ग्रेड है और प्लस में कॉम्बो पैक है। आप इसे ले सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। वैलिडिटी 1 ईयर है, यानी 1 साल की ही इसकी क्या है अवधि है। तो 1 साल के लिए है, एग्जाम तक ये नहीं है। 1 साल जिस दिन से आप लेंगे उससे आगे तक 1 साल तक ये आपके पास रहेगा। ये संपूर्ण हिंदी राजस्थान पुलिस SI का है, ये भी आप लोग ले सकते हैं। मंडे से, सोमवार से इसके बैच क्या है शुरू है। तो नया लाइव बैच है ये भी, तो लाइव का ही ये रूप है। ये अपने रीट के मॉडल टेस्ट पेपर हैं, 140 अंक के आप ले सकते हैं। और ये अपनी संपूर्ण पाठ्यक्रम की क्या है सीरीज है जो आप ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में, जो कौन सा है बच्चों, शब्द शक्ति। पहले हम थोड़ा सा इसका थ्योरिटिकल पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर से इसे करना क्या करेंगे शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हाँ अनुजा, आपको पता था इसलिए आपने सभी ने सब्र किया, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कुछ पार्ट इसका थ्योरिटिकल पढ़ेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। बिल्कुल वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ शब्द शक्ति के अंतर्गत कि जैसा कि नाम ही है कि शब्द की शक्ति है, यानी हम शब्द शक्ति के माध्यम से शब्दों के अर्थ को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द के अर्थ ग्रहण होते हैं। अगर हम बात करें शब्द शक्ति के भेद कितने हैं, तो बच्चों इसके 3 भेद होते हैं। एक का नाम अगर हम बात करें अभिधा, एक का नाम लक्षणा और एक का नाम क्या होता है व्यंजना। सबसे बड़ी बात यह है कि पद्य में अगर आती है तो जब तक आपको शब्द के अर्थ नहीं आएंगे आपके लिए ये जानना मुश्किल होगा कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। तो बाकी भेद पर अगर बात करें तो 3 भेद हैं। अभिधा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों, नाम। इसका मतलब नाम वाची अर्थ देने वाली जो शक्ति है वो कौन सी होती है, अभिधा शब्द शक्ति। अगर बात करें, एक तो क्वेश्चन आता है इनसे निकलने वाले अर्थों को क्या कहते हैं, तो आप लोगों को पता है इससे निकलने वाला जो अर्थ है वो मुख्यार्थ कहलाता है या वाच्यार्थ कहलाता है या अभिधेयार्थ या अभिधार्थ कहलाता है, ठीक है। वो तो अभिधा से आप वैसे ही क्लियर कर लोगे। बाकी क्वेश्चन आता है मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी है, तो अभिधा है। वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी है, तो अभिधा। वाचक शब्दों के 3 रूप होते हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं, एक रूढ़, एक यौगिक और एक योग रूढ़। तो ये भी आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं। रूढ़ जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जो मूल शब्द हैं उन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द।
योगिक जो दोके मेल से बने हुए हैं वो योग रूढ़ में बहुव्री समास के उदाहरण होते हैं। टुकड़ा हो सकता है लेकिन उस शब्द का जो अर्थ है वो किसी एक से ही क्या होता है, निकलता है। ठीक है, अगर बात करें अभिधा में तो आप ध्यान रखना पद्य में एक चीज आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि यमक अलंकार, यमक अलंकार के उदाहरणों में आपको लगभग कौन सी शब्द शक्ति मिलेगी बच्चों, अभिधा मिलेगी। नामवाची अर्थ होगा, जैसा दिया हुआ है वैसा ही साधारण सा क्या निकलेगा, अर्थ निकलेगा, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है, अभिधा। अगर बात करूं लक्षणा की तो जहां मुख्यार्थ न निकल कर मुख्यार्थ में बाधा होगी और शब्द के लक्षणों के आधार पर क्या निकलेगा, अर्थ। तो लक्षणा से निकलने वाले अर्थ को आप कहते हैं लक्ष्यार्थ या लक्षणार्थ। ठीक है, शॉर्ट में हम इस चीज को पढ़ रहे हैं कि जिससे ये आपको क्लियर भी हो जाए। बात करें इसके दो भेद आपके आते हैं, एक आता है रूढ़ी लक्षणा और एक प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ इसके अंतर्गत कि रूढ़ी और प्रयोजनवती इसके दो भेद हुए। एक हमारे विद्वान हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये क्वेश्चन काफी बार आया है, ये नहीं कहूंगी कि आपके आएगा क्योंकि माध्यमिक में तो ऐसा दिया हुआ नहीं है, बाकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो ये बताने पड़ते हैं कि आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा के कितने भेद माने, 80 भेद माने हैं। उनमें भी अगर बात करें यहाँ 80 में तो बच्चों यहाँ पर 64 जो भेद हैं वो प्रयोजनवती के माने और 16 भेद जो हैं वो किसके माने, इन्होंने रूढ़ी लक्षणा के माने। मैं आपको बता देती हूँ मुहावरों का प्रयोग, क्योंकि मुहावरे सीधा अर्थ नहीं देते हैं, लक्षणों के आधार पर अर्थ देते हैं, तो मुहावरों का प्रयोग भी किस में होता है, लक्षणा शब्द शक्ति में। रूढ़ी के आधार पर हम उसका क्या करते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं। अगर व्यंजना की बात करें तो व्यंजना से निकलने वाले अर्थ को हम व्यंग्यार्थ कहते हैं, ध्वन्यार्थ ये सबसे ज्यादा आता है, फर्स्ट ग्रेड में ध्वनि सिद्धांत इस पर आधारित होता है, व्यंग्यार्थ ध्वन्यार्थ या अन्यार्थ, अन्यार्थ भी इसी से निकलता है, ये यहाँ निकलता है। अगर हम लोग बात करें व्यंग्यार्थ होगा ध्वन्यार्थ या अन्यार्थ, तो वहां कौन सी होगी, व्यंजना। व्यंजना के भी कितने भेद होते हैं, दो, एक हम कहते हैं शाब्दी व्यंजना और एक होती है बच्चों आर्थी व्यंजना। जहां अर्थ के आधार पर निकलेंगे वो आर्थी व्यंजना, यानी पूरी पंक्ति से ही एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं वो आर्थी होती है। शाब्दी व्यंजना श्लेष अलंकार इसमें होता है, जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, यानी कम से कम दो अर्थ तो निकलेंगे ही निकलेंगे, तो वहां पर कौन सी होगी आपकी व्यंजना शब्द शक्ति। इसके क्वेश्चन कितने आ सकते हैं, एक से दो आप लोगों के आ सकते हैं थर्ड ग्रेड के अंदर, बाकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंतर्गत बात करें तो वहां भी क्वेश्चन एक एक ही आता है। यहां से मैंने पद्य के भी उदाहरण लिए हैं और गद्य के भी उदाहरण, वो है जो लगभग आए हुए हैं, वहां से हम पता करेंगे कि कैसे इसके अंतर्गत व्यंजना है, तो शाब्दी व्यंजना कैसे हुई, आर्थी व्यंजना कैसे हुई, या मुहावरों से कैसे आप लक्षणा निकाल सकते हैं, और वाक्य के साथ साथ वहाँ वाक्य में लक्षार्थ का कैसे पता चलेगा, तो वो सब हमने यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं उनसे इसके बारे में पता चलेगा। तो हम जरा अपने प्रश्नों से अब बात करना शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न है, शाब्दी एवं आर्थी किस शब्द शक्ति के भेद हैं। ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं, अब आपका सीधा सीधा यहां से पता चल जाएगा, जरा बता दो जी। ठीक है कल्पना, बिल्कुल सभी को आशीर्वाद, फटाफट आंसर आप दें जी। आपका आंसर आ रहा है सी, एक आध बच्चों को मैं छोड़ दूं, लगभग आप सही बता रहे हैं सी। शाब्दी व्यंजना पर बात करें हम सबसे पहले, तो बच्चों शाब्दी व्यंजना जहां व्यंग्यार्थ शब्द में निहित होगा, तो यहां व्यंग्यार्थ शब्द में निहित होता है, ये आ चुका है उसके अंतर्गत कथन के अंतर्गत,
वहाँ होता है शाब्दी, और आर्थी की बात करूँ तो जहाँ व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ बता दिया आपको व्यंजना से निकलता है, तो जहाँ व्यंग्यार्थ अर्थ में निहित होता है वहाँ क्या होती है आर्थी व्यंजना। तो ये इनके परिभाषा रूप भी यहाँ से क्या हो चुके हैं क्लियर। तो दो भेद इसके हो चुके हैं व्यंजना के, ये भी आपको क्या हो चुका है पता चल चुका है यहाँ से। अब हम आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दो देखिए जरा, क्वेश्चन है अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो, ये क्वेश्चन है। तो इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है आप मुझे आंसर दें। जी आप लोग आंसर देना शुरू कर चुके हैं, आप मुझे उत्तर दे रहे हैं बी, आप लोगों का आंसर सही है, लगभग बच्चे आप सही आंसर दे रहे हैं बी। अगर हम लोग बात करें तुम बैल हो, ये इसमें पूछा है, सामान्य अर्थ नहीं है। जहाँ अगर बात करें यहाँ जो बैल है वो बैल किसका प्रतीक है, इसमें जिसे में ज़्यादा बुद्धि बल नहीं है उसके लिए हम क्या करते हैं बैल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सामान्य अर्थ न हो करके सुनील, अनिल ने सुनील से कहे तो सुनील के लिए बैल का प्रयोग हुआ। अब सुनील बैल तो नहीं है, बैल के समान गुण रख रहा है वो। तो अगर कहें सीधा अर्थ न लेकर के लक्षणों के आधार पर लिया है लक्ष्यार्थ, तो मूर्खता के रूप के अंतर्गत है जिसे कुछ नहीं आता है, तो लक्षणा का क्या हो गया है रूप, बिल्कुल बैल मूर्ख का है जिसे कोई ज्ञान नहीं है, वो इसके अंतर्गत है। जी पुष्पेंद्र जी आज आप पहली बार लाइव आए हैं, ओके चलिए आगे की बात करते हैं। मुहावरों में कौन सी शब्द शक्ति होती है, बी और सी। इस बार सी भी आंसर आ चुका है और बी भी आ चुका है, सी और बी। जबकि अभी तो हमने थ्योरेटिकल पार्ट में इस चीज को पढ़ा है कि सी नहीं आएगा, मुहावरों में हमेशा लक्षणों के आधार पर अर्थ लेंगे। तो आंसर कौन सा होता है बी, रूढ़ी लक्षणा का बिल्कुल प्रयोग होता है मुहावरों के अंतर्गत। जैसे हम कहते हैं चोरी करते हुए पकड़े जाने पर सोहन पानी पानी हो गया, और वो वहाँ पानी पानी जो होना है वो शर्म से लज्जित होने के लिए है। तो जहाँ मुहावरों का प्रयोग होगा वहाँ पर कौन सा हो जाएगा लक्षणा। तो पानी पानी होना में कौन सी शब्द शक्ति होगी, लक्षणा शब्द शक्ति। देखिए जरा निम्नलिखित में से कौन सा लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है या लक्षणा के गुण नहीं है, गुण में शामिल नहीं है, शर्त नहीं समझ पाओ तो गुण। मीना क्वेश्चन ऐसे ही है फिर भी आपसे गलत हो जाते हैं, इजी क्या होता है और टफ क्या होता है, जो आपको आ गया वो इजी है, जो नहीं आया वो टफ है। यही भाषा और परिभाषा होती है आपके बस इजी और टफ के बीच की। डी अब आपको बाकी तीन लगभग को नहीं आए होंगे लेकिन यहाँ से निकल गया। अब ये क्वेश्चन सरल नहीं है, क्वेश्चन तो कथन से है, कथन है लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको बाकी शायद तीन नहीं आते, लेकिन व्यंग्यार्थ से पता है कि व्यंग्यार्थ किस में निकलता है व्यंजना में, से आपने फटाफट इसका आंसर क्या कर लिया चुन लिया। अगर हम लोग यहाँ बात करें मुख्यार्थ में बाधा होती है, बिल्कुल मुख्यार्थ में बाधा होती है तो लक्षणा के आधार पर क्या निकलता है अर्थ, तो ये कथन सत्य है। मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध है तो बिल्कुल अगर कहीं मुख्यार्थ को बाधा करते हुए, जैसे अभी हमने पढ़ा कि तुम बैल हो, तो वहां बैल को मुख्यार्थ जो है वो बैल नहीं है, बैल को उसने बाधा की और लक्षणा के आधार पर क्या निकाला अर्थ निकाला।
अगर इसके बाद की बात देखें रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर अर्थ, तो बिल्कुल रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर क्या निकलते हैं अर्थ, तो ये भेद भी क्लियर है। ऐसे ही सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में आते हैं, बट वो प्रॉब्लम है कि लिखने के बाद भी उनको क्या नहीं आ पाते हैं उस समय आंसर, फिर आप क्या कहेंगे, ओ दिमाग से स्लिप हो गया या भूल गए या आते आते गलत हो गया। आगे देखो, जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबद्ध अन्य अर्थ लक्षित हो वहां शब्द शक्ति होती है। वैभव तो इजी वाले ही करके आ जाना, बस तुम तो सरल ही है ये, वहां जब आ जाए तो देख लेना, ठीक है। जी बिल्कुल वही चीज है जो आपके अब रिपीट हुई है, रूढ़ी या प्रयोजन के कारण, तो बिल्कुल लक्षणा। किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? हाँ 26 को शाम को मिलेंगे उन लोगों से, फिर पता करेंगे बेटा कितने कितने सही हुए। जी आंसर आ रहा है ए और बी। वैसे अगर आप सोचते तो तीन भेद हैं, प्रथमा इसका मतलब अभिधा शब्द शक्ति, द्वितीय लक्षणा और व्यंजना तृतीय शक्ति होती है, तो प्रथम जो रूप है वो इसका है, तो अब आप द्वितीय और तृतीय रूप पर भी ध्यान रखिएगा। और ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, है ना, मेरी तरफ से कोई नहीं है। बैल खड़ा है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अब गांधी जी तो है नहीं, तो इसका मतलब एक से ज्यादा ही रूप होगा, लक्षार्थ लेगा। और आप क्यों पूछ रहे हो मेरा वाला, तो आंसर बता दो। ए और बी और सी भी आ गया इस बार तो। राम राम भरतपुर से जो भी आए हैं, मुझे नाम नहीं दिख रहे हैं आपके। हाँ ए बता रहे हो, बी बता रहे हो, देखा इस बार आंसर, अभी तो शुरुआत ही हुई है इसके अंतर्गत, तो छठा ही प्रश्न है, सातवां ही प्रश्न है आपका, जल्दी जल्दी बाकी भी बता दो। सी भी आ गया है और आंसर तो। देखो जी ए और बी दोनों आप बता चुके हैं, बट आंसर कोई एक ही होगा यहां से। चलिए बात करते हैं। जी बिल्कुल ए आंसर होगा, बी नहीं होगा, लक्षणा नहीं, सामान्य अर्थ है बैल खड़ा है। बस मैं लिख देती कि मोहल्ले में बैल खड़ा है या ऐसे, तो आपको वो लग जाता, अभिधा जो है वो इसका रूप है। यहाँ नहीं आएगा थर्ड ग्रेड में, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बैल खड़ा है अभिधा, तुम बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? जी बिल्कुल, अगर हम लोग बात करें यहाँ हरिश्चंद्र, तो सीधा अर्थ ग्रहण नहीं हो रहा, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अगर हम यहाँ बात करें हरिश्चंद्र की, तो हरिश्चंद्र यहाँ पर सत्यता का क्या माना गया है प्रतीक, तो सत्यवादी जो हैं उनके लिए हम यूज करते हैं क्या, हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर सीधा अर्थ न निकल कर हरिश्चंद्र के उसके गुणों के आधार पर अर्थ निकल रहा है सत्यवादी के लिए, तो सीधा अर्थ यानी मुख्यार्थ न लेकर लक्षण के आधार पर अर्थ लिया है कि हरिश्चंद्र मतलब सत्यवादी है, तो आंसर कौन सा हो गया, दो नंबर, तो लक्षणा। कश्मीर रक्त
सुप्त में डूबा हुआ है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? हेलो टीना, नमस्ते। मॉडल पेपर में किसी सवाल में मिस्टेक है आप मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, अभी तक ऐसा आया नहीं है। बाकी फिर लगभग 14-15 तारीख तक उनके जो भी करेक्शन है वो मैं टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करवा दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। दो आंसर आप मुझे बता रहे हैं, एक बी बता रहे हो, एक सी बता रहे हो। जी आंसर इसके अंतर्गत बात करें तो बिल्कुल सी नहीं आएगा। अगर हम बात करें आंसर कौन सा है, लक्षणा, कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है, नहीं, कश्मीर के जो लोग हैं वो रक्त में डूबे हुए हैं, यानी वहां पर अगर कहें तो जो हम कह सकते हैं मार धाड़ वाला जो रूप है, यानी एक दूसरे को लोग मार रहे हैं वहां रूप है, तो सामान्य रूप नहीं है, लक्षणों के आधार पर है। और कश्मीर नहीं, कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए ये आया है। तो आंसर कौन सा होगा, दो नंबर, ठीक है, समझाया ही तो है, और क्या बता रही हूँ। खून खराबा हो रहा है, रक्त में डूबना वहां, और कश्मीर नहीं, कश्मीर के जो लोग हैं वो खून खराबे में डूबे हुए हैं, यानी खून खराबे में लिप्त हैं, वहां पर कहीं गोलीबारी वगैरह हो रही है, तो कश्मीर के लोगों के लिए ये आया है, कश्मीर न होकर वहां के लोगों के लिए, तो लक्षणा इसके अंतर्गत है। कुम्हार बोला बेटी बादल हो रहे हैं, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? योगेश, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है, आप जरा कम्युनिटी में देखें कब कौन सा पेपर होगा। बिल्कुल बेटा, पूरा आशीर्वाद है। जी आप लोगों के आंसर आ चुके हैं, सी, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं आंसर। व्यंजना, कुम्हार बोला बेटी बादल हो रहे हैं, जहां एक से अधिक अर्थ आएंगे वहां आर्थी व्यंजना हो जाएगी। इसका मतलब ये जो उदाहरण है ये किसका है, आर्थी व्यंजना का, किसी एक शब्द का नहीं, पूरे लाइन के, पूरी पंक्ति के एक से अधिक अर्थ निकलेंगे वहां होगी आर्थी व्यंजना। जैसे बेटी बादल हो रहे हैं, तो बेटी जैसे ये सुनेगी इसका मतलब कि मुझे घर से बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर ही रहना है। कुम्हार का क्या सोचना होगा कि आकाश में बादल हो रहे हैं, अगर वर्षा आ गई तो मिट्टी गीली हो सकती है, या जो भी मटके वगैरह मैंने बनाए हैं जो अभी गीले हैं वो खराब हो सकते हैं। तो इसका मतलब एक से अधिक अर्थ, यानी बेटी ने सुना वो अपने हिसाब से अर्थ लेंगी। अगर पत्नी की बात करें तो वो ये सोच सकती है, अच्छा बादल हो रहे हैं तो वर्षा हो सकती है, मैं अपना सामान अंदर की ओर रख दूँ। तो सबके अपने अलग अलग क्या निकलेंगे अर्थ, तो कौन सा आंसर होगा, व्यंजना शब्द शक्ति, और व्यंजना में भी इसकी आर्थी, पूरी पंक्ति के क्या निकल रहा है अर्थ। ये आपकी कहे ऑब्जेक्टिव बुक है व्याकरण की, और आप ले सकते हैं। हाँ, एक ही पंक्ति के एक से अधिक अर्थ वहां लिए जाएंगे। आगे देखिए, रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सोच करके जवाब देना। ओके कुसुम, आपको व्याकरण आने लगी, अच्छी बात है। ओके अनीता, आप बांसवाड़ा से हैं। बी और सी, और अब देखते हैं क्या क्या आंसर दे रहे हैं, जो कह रहे हैं बहुत ही सरल हैं, और एक एक ही क्वेश्चन है, आप तो मुझे इसी में ही बता दीजिए, बी और सी, रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती। आप हरियाणा से हैं, बिल्कुल ठीक है बेटा, स्वागत है। दोनों में लगभग बराबर की लड़ाई है, बी में और सी में, कुछ बच्चे ए पर भी आ चुके हैं। हाँ,
अगर हम बात करें रोटी के लिए, या रोटी के लिए मतलब पेट पालने के लिए या भरण पोषण के लिए, तो रोटी मतलब पेट पालने के लिए या भरण पोषण के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, तो यहाँ पर रोटी के लिए नहीं आएगा। रोटी का जो अर्थ है वो भरण पोषण या पेट पालने से लिया जाएगा, उसके लिए लोग क्या नहीं करते यानी सब कुछ करते, तो व्यंजना नहीं आएगी, कोई भी अलग अलग अर्थ नहीं लेगा। जहाँ एक पंक्ति के एक से अधिक अर्थ लिए जाएंगे वहाँ होगी व्यंजना। तो यहाँ तो कौन सी होगी, लक्षणा जी, प्रयोजनवती लक्षणा, ठीक बिल्कुल। तो आपका यहाँ पर ये क्लियर रखिएगा, प्रयोजन के आधार पर है। बहुत बच्चे सी पर आए थे, बहुत ही, और यहाँ पर अब गड़बड़ हो गई और ये सब आई हुई है, बस मैंने कुछ उनमें चेंज किया है। आगे देखो, शायद आप शुरू के आंसर्स देख कर के काफ़ी बच्चे तो स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, तो अच्छी बात है, बट थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखो तो जरा, सेठ ने नौकर से कहा अंधेरा हो गया है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति। अब ये देखना सभी सही बताओगे, क्यों, क्योंकि पढ़ा हुआ है वो, शुरू से पढ़ा हुआ है, 12वीं क्लास से, 11वीं से, सर बहुत अच्छे से पता है, लेकिन ये आ भी बहुत चुका है जी। आप लोग बच्चे लगभग बता रहे हैं सी, मुझे ये बताना इसमें सी में आर्थी और शाब्दी का कौन सा भेद है। शाब्दी है या आर्थी है, व्यंजना के दो भेद हैं, उनमें से कौन सा है, कहीं आ जाए भेद तो मैं एक बार देखना चाह रही हूं आर्थी और शाब्दी में से। वेरी गुड, आर्थी व्यंजना है बिल्कुल, कहें पूरी पंक्ति के अर्थ से निकल रहा अंधेरा हो गया है, सभी अपने अपने अनुसार क्या निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे। जहां अगर देखें तो बच्चे सोचेंगे अब मुझे घर पर जाना चाहिए, अगर कहीं गृहिणी सोचेंगी हमें अपने सब्जी रोटी के काम में लग जाना चाहिए, पुजारी अपनी पूजा के लिए सोचेगा, सबके मीनिंग अलग अलग हैं, तो इसका मतलब आंसर व्यंजना, और व्यंजना में भी आर्थी व्यंजना का उदाहरण है, पद्य का रूप है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। मैंने अपनी तरफ से आपके लिए जितना होना चाहिए उतना रूप यहां बताने की कोशिश की है। सी, बी, ओके। जैसे अभी हमने बात की, अब जिसको इसके बारे में पता है वो कर पाएगा अर्थ, अगर अर्थ किसी को नहीं आता है तो वो नहीं कर पाएगा। जैसे कुछ बच्चे शाब्दी सोचेंगे और कुछ आर्थी सोचेंगे, राइट, आर्थी में ई ऐसे आ जाएगा, कोई बात नहीं है, समझ तो आप रहे। यहाँ देखो, जब हम बात करें पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, मैंने आपको बताया था जहाँ श्लेष अलंकार होगा, तो आपको यहाँ पर पता है कि इसमें श्लेष अलंकार है, और श्लेष अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होगी, शाब्दी। तो यहाँ देखो, जहाँ एक शब्द के ही एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, जैसे पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, यहाँ पानी शब्द के ही एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, मोती के लिए चमक आ जाएगा, मनुष्य के लिए इज्जत आ जाएगा, चून जल के लिए आ जाएगा। यानी अगर हम बात करें एक ही शब्द है और उस एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे, मतलब श्लेष अलंकार एक ही शब्द के अंतर्गत एक से अधिक अर्थ रूप होगा श्लेष अलंकार, और श्लेष अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होती है, शाब्दी व्यंजना। तो आपको अगर पद्य का अर्थ आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप लोग वहां पर आसानी से जवाब दे पाओगे। अगर आपको अर्थ नहीं आया तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, यह है पक्की बात। अर्थ आना जरूरी है पद्य में, वो तो आना गद्य में भी है, लेकिन अर्थ के बिना आप नहीं कर पाएंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा आ चुके हैं, को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है।
डी और सी दो आंसर आ रहे हैं। आप मुझे ये भी बता दो सी वाले कि इसमें कौन कौन से अर्थ निकल रहे हैं, कौन से शब्द हैं जहाँ कौन सा अर्थ निकल रहा है। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ए सी डी है और मैं अब आपसे पूछ रही हूँ अर्थ कहाँ से क्या रूप है। तो मैं सबसे पहले बता दूँ, कोई कह रहा है डी को लोक कर दो, कोई कह रहा है सी को लोक कर दो। तो यहाँ आप समझिए, ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। श्लेष में दो रूपों में एक से अधिक अर्थ मिलते हैं। एक अभी आपने पढ़ा है जस्ट पहले ही, एक ही शब्द था पानी और उसके अर्थ एक से ज्यादा। यहाँ देखो, अगर बात करें एक वृषभ धन अनुजा, वृषभ बैल को बोलते हैं और बैल की अनुजा यानी गाय, तो एक अर्थ तो ये है वृषभानुजा का। एक है वृषभानु की जाया पुत्री, वो कौन है राधा। तो इसके दो अर्थ निकले शब्द के। हलधर, हल को धारण करने वाला कौन है बैल, तो गाय के संदर्भ में यहाँ बैल। और एक हल धारण करने वाले यानी बलराम के भाई, फिर कृष्ण आ जाता है तो हलधर बलराम को बोलते हैं, फिर बलराम के वीर यानी भाई कौन हो जाएंगे कृष्ण। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो बैल के लिए आ गया है, बलराम के लिए आ चुका है, तो यहाँ राधा और किसके लिए आ चुका है, गाय के लिए आ चुका है। तो यहाँ पर बात करें इसमें तो एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, यानी कम से कम कितने निकले, दो अर्थ। जैसे ही दो अर्थ निकले कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ, श्लेष, और श्लेष में कौन सी होती है, शाब्दी व्यंजना। यदि आपको इन शब्दों के अर्थ नहीं आए तो आप सीधा सीधा ही वहां पर सोचोगे और आपके लिए शाब्दी व्यंजना निकालना क्या होगा, मुश्किल। तो अर्थ पूर्ण रूपेण डिपेंड करेगा। सकन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वहे वा यमुना के तीर। हाँ, वो आरपीएससी का पसंदीदा प्रश्न पता नहीं कितनी बार आ चुका है। जी बिल्कुल, यहाँ किसी भी एक शब्द का मीनिंग नहीं है, पूरी लाइन का ही यहाँ पर अर्थ है। अगर हम बात करें राधा के वियोग का, यहाँ पर वर्णन है कृष्ण के वियोग में, उन्हें कृष्ण की याद आ रही है राधा को, कि जो सघन कुंजे हैं उनकी कुंज, जो छोटी छोटी झुरमुट होते हैं बैलों का, वो बेलों का सॉरी, जो बेल होती है ना उनके लिए, उनकी जो सुखद छाया थी और जो शीतल ठंडी मंद यानी हवा चलती थी, मन हवे जात, मेरा मन अभी भी करता है, अजो वही, ऐसा ही वो रहे यमुना के तीर, यानी जैसा हम कृष्ण के साथ अपना समय यमुना के किनारे तीर पर बिताते थे, आज वैसा ही मेरा मन फिर से समय या कृष्ण के साथ समय व्यतीत करने का मन कर रहा है। दूसरे रूप में अगर बात करें तो हाँ, बिहारी का दोहा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस दोहे को ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आई होप कि आप लोगों के एंगल से इम्पोर्टेंट है। तो आर्थी पूरे पंक्ति का अर्थ यहाँ पर निकलेगा, एक तरफ राधा के वियोग का वर्णन है, एक तरफ अगर बात है तो प्रियतम के याद में जो प्रियतमा है वहाँ प्रकृति के सौंदर्य का क्या किया गया है चित्रण, तो अगर बात करें आर्थी व्यंजना है। आगे देखो, रमा ने कहा राम कल आएगा, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। हाँ, यमुना तट पर बिताए हुए समय को याद कर रही हैं और दूसरी तरफ प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण है। पहले नहीं पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ए बी डी भी आ गया है,
और ये क्वेश्चन आपको वैसे सीधे सीधे आपको नहीं लिखे मिलेंगे। अगर हम बात करें राम ने कहा, रमा ने कहा, राम कल आएगा, अब यहाँ पर कोई भी तीसरा अर्थ नहीं लिया जा रहा, सीधा सीधा ही एक क्या ग्रहण किया जा रहा है, अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। तो नो डाउट इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, अभिधा। यानी ऐसा नहीं कि जैसे वहाँ पर आ गया कि उसने कहा और कुमार ने कहा, बादल छा गए और आपने वहाँ व्यंजना की आरती, तो वैसे सोचो इसमें भी कह रहा है और कर दूं। ये सामान्य अर्थ दे रहा है, सामान्य अर्थ दे रहा है मतलब अभिधा है। कोई उसके एक से ज्यादा अर्थ निकाल लेगा तो आंसर क्या होगा, आर्थी व्यंजना में होगा। ठीक है, ओके सुभाष चंद, थैंक यू बेटा। हाँ ये सामान्य रूप है, ये साहित्य की ऑब्जेक्टिव बुक है, हिंदी साहित्य भाषा और काव्य शास्त्र की KVS DSSB नवोदय कॉलेज व्याख्याता नेट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी के लिए ये है, तो आप ले सकते हैं। ये भी बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। ये कुकू पिछली बार भी पूछा था क्वेश्चन आपने, वाक्य का आंसर दो। ए सी बी, रिपीट टू रिपीट है ये क्वेश्चन, बहुत फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब में आ चुका है, बहुत ही आंसर है। सी बता रहे हैं शाब्दी व्यंजना, बी बता रहे हैं लक्षणा, ए बता रहे हैं अभिधा। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही गड़बड़ सा है, सी और बी में अब ज्यादा है मारधार सी आप लोगों के बीच, मतलब कि मेरा सही अफरा तफरी सी मचा रखी है ऐसा लग रहा है। चलिए बात कर लेते हैं, बी और सी दोनों ही नहीं है, आंसर है अभिधा। बेचारे ए वाले तो रुक गए कहीं जाकर ऐसा लग रहा है, ए वालों के तो आंसर अब नहीं आ रहे। चलो जरा बात कर लेते हैं, अरे यमक अलंकार है जहां एक ही शब्द की आवृत्ति, शब्द की आवृत्ति होगी और अर्थ अलग अलग, तो आपको पता है एक कनक का अर्थ सोना है और एक का धतूरा है। श्लेष अलंकार में शब्द एक ही होगा, जैसे पानी शब्द एक ही था, उसके अर्थ कम से कम दो तो निकलेंगे और हो सकता है तीन भी निकल जाए, बट एक से ज्यादा अर्थ निकलेगा। यहाँ दोनों ही शब्द अलग अलग हैं, कनक भी अलग और कनक भी अलग, और दोनों के ही अर्थ, एक का सोना और एक का क्या निकल आएगा, धतूरा। तो जहाँ शब्द की आवृत्ति और उनका अर्थ अलग अलग, वहां तो होता है यमक अलंकार, जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ कम से कम दो निकलेंगे, वहां होता है श्लेष अलंकार। तो इसमें यमक अलंकार है शब्द शक्ति, और यमक में कौन सी होती है, अभिधा। तो आंसर कौन सा होगा, अभिधा का। तो ये मैंने आपको थ्योरी के अंतर्गत बताया था कि यमक अलंकार में सदैव अभिधा शब्द शक्ति है। अब आपको अलंकार नहीं आएगा, आपको अर्थ नहीं पता चलेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, तनिष्क कितना ही देख ले, राइट। तो यहाँ पर ए आंसर होना था, लगभग बच्चों ने बी और सी में अच्छे से गड़बड़ कर दी है, राइट। मतलब जो शुरू में तो कह रहे थे ऐसा ऐसा, और ये खूब सेकेंड ग्रेड में भी आया हुआ है और वहां गड़बड़ कर रहे हो। जय श्री कृष्णा सुरेश। अब आगे की बात करते हैं, ओके कुकु आपका एक नंबर और बढ़ गया बुक पढ़ने से मेरी, गुड, अच्छी बात है, सारे ही बढ़ने चाहिए। अच्छा ठीक है, नहीं पढ़ा बेटा तो अब आपका क्लियर होना चाहिए, ओके नाज। चलिए अगला क्वेश्चन है, यमक अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होती है। लो अब तो गलत नहीं होगा मैडम, होना ही नहीं चाहिए बस गलत। ओके आप लोगों के लगभग आंसर सही, अभी हमने बात की अभिधा, बिल्कुल यमक अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होती है, अभिधा। नग सुनो बिन मुंदरी, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है।
हाँ सुरेश, बहुत दिनों बाद आए हैं आप आज। जय माता दी नरेंद्र। ओके कुलदीप मंसूर से हैं, स्वागत बेटा। आपके आंसर हैं बी और सी और ए। इसका मतलब ये पक्का है, जब तक अर्थ नहीं आएंगे बेटा पद्य क्लियर नहीं होगा, यानी आप शब्द शक्ति नहीं कर पाओगे। अर्थ आना जरूरी है, इसलिए ये अच्छी बात है कि अगर वो आपको गद्य में दे तो अच्छी बात रहेगा कथन के अंतर्गत, हालांकि वो भी गड़बड़ हो जाते हैं। बी और सी आपके यहाँ पर आंसर आ रहे हैं, चलिए बात कर लेते हैं। नग सुनो बिन मुंदरी, नग के और मुंदरी के दो अर्थ है। नग सुना है, एक तो नग का अर्थ होता है नगीना और मुंदरी का अर्थ होता है अंगूठी। अंगूठी नगीने के बिना सुनी है, यानी उसकी शोभा नहीं है। और एक नग होता है पर्वत, इसका मतलब ये अनेक अर्थी शब्द और एक ही शब्द अर्थ एक से ज्यादा, इसका मतलब श्लेष अलंकार। और मुंदरी का अर्थ होता है चोटी, पर्वत चोटी के बिना सुशोभित नहीं है। और नग नगीने के बिना, मतलब नग के बिना यानी नगीने के बिना अंगूठी की कोई शोभा नहीं है। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ श्लेष अलंकार, श्लेष मतलब शाब्दी। जैसे एक और आता है सैंधव लाओ, तो एक सैंधव नमक होता है और एक सैंधव क्या होता है घोड़ा। तो जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ शाब्दी, शाब्दी मतलब श्लेष अलंकार और शाब्दी व्यंजना। ये है अबला, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये है आपकी पंक्ति, तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है ये आपको बतानी है। बी सी ए डी, बी 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 ए ए ए डी बी टी सी। हाँ बहुत ही आंसर हो गए जी। देखिए अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। एक तो यहाँ पर सीधा ही नारी की दयनीय स्थिति का वर्णन है, सेकंड एक माँ की जो यहाँ पर विवशता है वो दिखाई गई है। रामधारी सिंह दिनकर जी का ये कहें यशोधरा से लिया गया है, और उस समय नारियों की जो दुर्दशा है उसका भी इसमें वर्णन है कि माँ के पास जो है वो दूध तो है बट आंखों में पानी है, क्योंकि अगर उसने बच्चे को दूध पिलाया तो उसकी मजदूरी नहीं मिल पाएगी। सीधा अर्थ नहीं है, डबल अर्थ इसके निकलते हैं, एक महिला की दयनीय स्थिति, एक माँ के उसमें, और एक उस समय जो दिनकर जी जिस समय थे उस समय महिलाओं पर क्या अत्याचार हो रहे थे उसका वर्णन है। उसे काम भी करना पड़ता है, अगर वो काम नहीं करेगी, बैठ करके बच्चे को दूध पिलाएगी, मजदूरी नहीं मिलेगी, मजदूरी नहीं मिलेगी तो परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। तो आर्थी व्यंजना का ये क्या है उदाहरण, याद रख लेना अच्छे से, आ चुका है। इस खंडहर में भी बिजली से उन्मत्त जवानी दौड़ी होगी, पद्य उसी समय कर पाओगे जब आपको मीनिंग आएंगे। बी है, डी है, सी है, लगभग बच्चे बी बता रहे हैं, कुछ बच्चे डी पर हैं। अच्छा मुझे ये बता दो इसमें लक्षार्थ कौन से शब्द में है।
लक्षार्थ निकला कौन से शब्द में है, कोई बता पाएगा प्लीज? झांसी की रानी नहीं है यहाँ? अरे कोई बिजली बता रहा है, कोई जवानी बोल रहा है, खंडहर। खंडहर वृद्ध शरीर के लिए, इस खंडहर में भी बिजली सी, बिजली के समान पागल जवानी दौड़ी होगी। तो खंडहर यानी वृद्ध अवस्था, वृद्ध अवस्था का ये जो शरीर है वो भी कभी जवान होगा। तो खंडहर वृद्ध अवस्था के लिए इसमें है लक्षणा, खंडहर वाले में, शब्द में। अगर वो लाइन देकर पूछ लेगा इस पंक्ति में कौन सी शब्द में लक्षणा है, वहां पर अलग अलग आ जाएगा। एक में खंडहर, एक में बिजली सी, एक में उन्मत्त जवानी, एक में दौड़ी होगी। तो आप वहां पर जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको अर्थ नहीं आएगा। जी बघेला जी धन्यवाद। राम के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? हाँ कुछ बच्चों ने खंडहर बताया था, सभी ने नहीं बताया ना। बिल्कुल आप लोगों का आंसर सही है, पेट में चूहे दौड़ना मुहावरा। मुहावरों में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा। तो लक्षणा का उदाहरण, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, कौन सी शब्द शक्ति है? तो शैतान आंसर दे रहा है, इमोजी ऐसी क्यों भेज रहा है, अच्छा सा तो आंसर दे रहा है, मुंह क्यों लटका रखा है फिर? अब बिल्कुल 9-2-11 होना मुहावरा है, लक्षणा भाग जाने के लिए। रोहन हवा से बातें कर रहा है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? ये तो फटाफट ही आ गए आपको, देखा? अब शुरू में आए, लास्ट में भी आ गए, बस बीच में कुछ गड़बड़ हुई। तो मनोबल बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए, काफी कुछ सही आपने जवाब दिया। जो चीजें मैंने समझाई बस कोई ध्यान रखनी है, उससे ज्यादा नहीं, उतना भी ध्यान रख लोगे काम बन सकता है, बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा अर्थ पर। बिल्कुल बी लक्षणा, हवा से बातें करना, यहां पर मुहावरा रूप। सोहन का घर सड़क पर है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? शैतान रिप्लाई में नहीं दे रही, एक्चुअली मुझे मैसेज नहीं दिखा होगा, तो वो शायद धीमे था तो मुझे आपका ये दिखा, बाकी मुझे कोई और मैसेज नहीं दिखा। तो आप ऐसे उदास हैं? ओ, ए और बी दो आंसर दे रहे हैं, ये तो दो आंसर लाइक नहीं था, बट कैसे आ रहे मुझे नहीं पता। ए और बी, ए क्या आना चाहिए जी? देख लो लड़ाई हो रही है ए और बी में, और गद्य का क्वेश्चन है, और ये शुरुआत से पढ़ाते हैं आपको शिक्षक, जब से शब्द शक्ति शुरू होती है, और वो वाला गलत हो रहा है। पद्य का होता तो मैं समझ जाती। अरे घर सड़क पर नहीं है, सड़क पर मतलब सड़क के किनारे है, तो सड़क के किनारे यानी सीधा अर्थ नहीं निकल रहा, उसका हम अर्थ ले रहे हैं सड़क पर का, सड़क के किनारे से, तो लक्षार्थ निकल रहा है, तो लक्षणा शब्द शक्ति है। तो आंसर यहाँ पर होगा 2 नंबर। प्रधानाचार्य जी ने कहा 4 बज गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, बता दो भाई। बी और डी और सी पता ही नहीं क्या क्या दे रहे हो। बी सी डी 3-3 उत्तर, माय गॉड क्या ही जवाब दे रहे हो आप। बी है, सी है, डी है। जी
अगर आप लोग यहाँ समझते प्रधानाचार्य जी ने कहा 4 बजे, प्रधानाचार्य जी ने कहा है, इसका मतलब हर किसी के लिए अलग अलग आंसर होगा, अर्थ अलग अलग लेंगे। प्रधानाचार्य जी कह रहे 4 बज गए यानी अब स्कूल की छुट्टी का समय होने वाला है। बच्चे सोचेंगे बस छुट्टी होगी, अपनी सारी किताब वगैरह डालो फटाफट और दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और जो भी वहाँ आगंतुक होंगे वो ये सोचेंगे अब आज हमारा काम नहीं हो पाएगा, अब तो छुट्टी होगी। तो अगर हम लोग बात करें बिल्कुल आर्थी व्यंजना का क्या है, ये उदाहरण है। तो व्यंजना शब्द शक्ति और व्यंजना में भी आर्थी। पुजारी ने कहा संध्या हो गई, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? वस्तुनिष्ठ सारांश की पीडीएफ की जो करेक्शन है नई वाले में तो मैंने ऑलरेडी करवा रखे, पुराना जिसके पास है वो टेलीग्राम पर डाली हुई है भाई, फिलहाल मेरे पास अभी उसकी अवेलेबल नहीं है, वो उस समय डाली थी, आप देख सकते हैं। डी जी, अगर हम लोग बात करें यहाँ पुजारी ने कहा संध्या हो गई, बिल्कुल आर्थी व्यंजना, इस पर हम बात कर चुके हैं, शाम हो गई जैसा ही है। राजस्थान भारत का एक राज्य है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? मैंने आपके लिए देखो पद्य भी लिया है, गद्य भी लिया है, कुछ गद्दे के भी गलत हुए हैं, कुछ पद्दे के भी सही हुए हैं, तो कुछ गलत भी हुए हैं। आप आंसर दे रहे हैं ए, पहला भी सही था, लास्ट भी लगभग का सही है, शुरुआत भी अच्छी हुई है, लास्ट भी अच्छा हुआ है, मतलब आंसर सही आ रहे हैं लगभग। तो बिल्कुल सीधा अर्थ है राजस्थान भारत का एक राज्य यानी अभिधा शब्द शक्ति है। ये अपना लाइव नया बैच है जो बिल्कुल आप ले सकते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और कॉम्बो, 1 साल की वैलिडिटी के साथ है ये, एग्जाम तक इसका रूप नहीं है, तो लाइव बैच है। साथ में ही मैं बता देती हूँ एसआई का भी लाइव बैच मंडे से है, ठीक है, लाइव बैच शुरू होगा आपका सोमवार से, शुरू में बता दिया है वैसे उसके बारे में। ये आपकी रीट की पुस्तक है, आप लेना चाहो तो, और ये आपकी अगर कहें जो पुस्तक है रीट के मॉडल टेस्ट पेपर, ये भी आप ले सकते हैं, से मैंने नीचे कर दिया है अपना। ये शब्द शक्ति का क्लियर हो गया है यहाँ से, उम्मीद करती हूँ आपको कोशिश अर्थ लेने की करनी, अगर अर्थ आ गया तो ठीक है, आप 100% कर पाएंगे। अलंकार वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना जी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, राम राम सा।